अरे भाई अनुष, हेलो, हाउ आर यू? ओके बरखा बरखा एक लड़की की कहानी है, उसका नाम है बरखा। और हर कहानी प्यार से शुरू होकर प्यार पे ख़त्म होती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में प्यार बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। सो बरखा की जो स्टोरी है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। सो जब एक रियल कैरेक्टर आपके सामने आता है, तब आप कोशिश करते हैं कि उसको जितना रियलिटी के करीब शूट भी कर सके या उन इमोशंस को जी सके सीन्स के दौरान, तो वैसी कोशिश किया हमने। ओके बरखा के साथ कौन कौन दिखाई देने वाला है फिल्म में? ताहा शाह है मेरे साथ एंड प्रियांशु इज देयर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक है दोनों का, और बहुत डिफरेंट सी लव स्टोरी है ये। इट्स कह सकते हैं कि एक लड़की जो कभी कहीं उसे दिखती है एक मिस्टीरियस वे में, फिर नहीं दिखती, फिर वो उसको फॉलो करता है, फिर वो कहाँ कहाँ क्यों क्यों दिख रही है, वही स्टोरी है। तो वो जो रीजंस हैं, वो कब किस जगह पे कब किस जगह पे किस लिए है, वो मैं रिवील नहीं कर सकती, उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। सेक्सी पोस्टर है, अच्छा ओके। लोगों को लड़कियां सेक्सी अच्छी लगती हैं आई गेस। मेरे डायरेक्टर को अच्छा लग रहा होगा तो उन्होंने ऐसा पोस्टर बनाया, बट दो तीन और भी लुक्स है। एंड सेक्स अपील है डेफिनेटली, क्योंकि फिल्म में थोड़ी सी, सो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड दैट्स हाउ इट इज। नो डिस्काउंट ऑन लव, ये नया टैग लाइन है, ये मैंने भी आज देखा है। हाँ आई थिंक बरखा में देखने को मिलने वाला है कि प्यार में कोई डिस्काउंट नहीं है। नो डिस्काउंट इन लव। अच्छा, अपने किरदार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह का आपका किरदार है फिल्म? बहुत स्ट्रांग लड़की है, अपनी जिंदगी में जो भी उसे ठीक लगता है वो करती है और अपने डिसीजंस लेती है। और शायद प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो उसको सोचने पे मजबूर करता है, और कोई चीज़ नहीं। सो आई थिंक ये अलग बात है उसमें। कभी कभी हम बहुत से सोशल इश्यूज़ में फंस जाते हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जब हम अपने अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, लेकिन बरखा ऐसी लड़की है जो कि अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाती है, उसे जिस वक्त जो ठीक लगता है वो करती है, मेरे जैसी थोड़ी सी। थैंक यू, थैंक यू। ये पकड़ उसमें से औसम निकाल, औसम निकाले। और ये
जी बरखा की कहानी ऐसी है कि जिसमें मेरे जो किरदार है वो कहानी में एक ट्विस्ट लेके आता है, और शादाब ने जो हमारे डायरेक्टर ने शादाब मिर्जा, उन्होंने इसी तरह से ये किरदार सोचा था कि एक म्यूज़िकल रोमांटिक लव स्टोरी के अंदर एक इस तरह का एक थ्रिलिंग ट्विस्ट है जो पूरी कहानी को बदल देता है, मोड़ देता है, एक दूसरा रुख देता है, और इसीलिए देखते हैं दर्शक क्या कहते हैं। बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरा उनके साथ पहली बार मतलब पहला मौका था उनके साथ काम करने का, और मुझे बहुत मज़ा आया काम करके। शादाब और बाकी की पूरी टीम शादाब की, मतलब दे वर रियली फ्रेंडली टू वर्क विद एंड रियली नाइस, एंड दे गॉट डन व्हाट नीडेड टू बी डन इन अ वेरी शॉर्ट इन अ गुड स्पैन ऑफ टाइम। आई डोंट नो यार, कम बैक या नो कम बैक, मुझे काम पर भरोसा है, और मुझे लगता है कि जब जैसा होना होता है वैसा ही होता है, और अपनी तरफ से काम की तरफ शिद्दत में कोई कमी नहीं है, तो आगे ऊपर वाला जैसे देखे। सारा के साथ मेरी पहली मुलाकात इस फिल्म से पहले कभी नहीं हुई। काम करने के दौरान मुझे उनको जानने का मौका मिला, और बहुत ही अच्छा लगा काम करके, बहुत ही इन्वॉल्व हर एक सीन में, हर एक डायलॉग में, हर एक शॉट में। यू नो शी इज़ थिंकिंग कि क्या करूँ आगे, क्या करूँ कि और अच्छा हो, इससे बेहतर हो। तो एक बहुत ही प्रोफेशनल, इन्वॉल्व, और साथ ही बहुत फ्रेंडली, बहुत ही मतलब मजाक मजा मस्ती करते हुए। हमारे कुछ रोमांटिक सीन्स थे फिल्म में जो काफ़ी इंटीमेट थे, और ऐसा लगा नहीं कि यू नो दैट आई एम वर्किंग विद अ न्यू कमर, और यू नो शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल, वेरी नाइस टू वर्क विद। मुझे लगता है लव में वाकई कोई डिस्काउंट नहीं होता, बिकॉज कोई डील नहीं होती। इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, इट्स नॉट अ डील, इट्स नॉट अ बार्गेन, इट्स अ वेरी फ्री फ्लोइंग ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर में तो कोई डिस्काउंट होता नहीं है। उसमें खामियां हो सकती हैं, डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट की कोई जगह नहीं है। थैंक यू। ये देखना आपको या मैं देखना। एक सेकंड डिस्ट्रैक्ट हो रही है। बोला सबका यार, कैमरा में देखना है, अजीब लगता है। चलो ठीक, बरखा यार, प्यार की फीलिंग है, मोहब्बत की फीलिंग है बरखा से। मेरा, मैं जो किरदार निभा रहा हूँ उसका नाम जतिन है, और वो बरखा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और ये उन दोनों की कहानी है। किरदार के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, कैसा होगा जी, आपको कैसा होगा इस? बहुत ही अलग होगा मेरे पिछले फिल्मों से। जतिन एक वकील बनने की कोशिश कर रहा है, हिज फैमिली इज अ लॉयर। तो जब वो बरखा से मिलता है तो उसको पहली लुक में उसको मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। और इसमें ना दो तीन शेड्स भी हैं, यानी वो यंग भी है, ओल्ड भी हो जाता है बीच में फिल्म में। तो ये सब शादाब जो है वो उसकी थॉट और उसकी एक्सपीरियंस निकाला हुआ। ही इज़ रियली चेंज्ड मी अराउंड। डिस्काउंट ऑन लव, कितना बिलीव करते हैं आप कि
होता है आपके अनुसार क्या कुछ है? लव में डिस्काउंट आपके अनुसार, क्योंकि एक लाइन या पोस्टर है, हाँ, नो डिस्काउंट ऑन लव, आप बताइए। नो डिस्काउंट ऑन लव, ये तो शादाब की नई सोच है, हाँ आज ही देख रहा हूँ मैं, नो डिस्काउंट ऑन लव नया पोस्टर है ये, एक्चुअली अच्छा लग रहा है। नो डिस्काउंट ऑन लव में मेरा क्या सोच है कि आप पहले तो लव में कोई डिस्काउंट नहीं होता, हाँ लड़की से प्यार करने बहुत ही मुश्किल बात है, हाँ सारे पैसे चले जाते हैं और नो डिस्काउंट मिलता है आपको, तो बरखा ऐसे है, नो डिस्काउंट ऑन लव, फुल फ्लो, फुल हार्टेड, ऑल योर एक्सपीरियंस बरखा। ज़हरा प्रोडक्शंस के साथ, शबाना जी के साथ, अब्दुल भाई के साथ मुझे काम करने में बहुत ही मज़ा आया, वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, पर मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ सिलेक्ट करके वो लेकर आते हैं और बरखा उनमें से एक है। तो थैंक यू शबाना जी, थैंक यू अब्दुल जी कि आपने मुझे मौका दिया एक इस फिल्म के का हिस्सा बनने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शूटिंग इज कम्प्लीट, फिल्म कम्प्लीट है एंड वी आर रिलीजिंग सून, वेरी सून, होपफुली बाय नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक। बरखा इज अ म्यूजिकल लव स्टोरी, बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो कि मुझे एक्चुअली एक रियल लाइफ इंसिडेंट से मैं इंस्पायर हुआ था कि जहाँ से मुझे लाइन मिली थी एंड आफ्टर दैट मैंने उस पर कहानी बुनी है। सो इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स हर जर्नी ऑफ लव from 4 to 8 years. I think, is it your love story, right? No, it is not my love story. It is not my love story. ये किसी की कहानी है, किसी की लव स्टोरी है, बट वहाँ से मुझे आइडिया मिला था। सारा इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर। एक्चुअली जब मैंने ये स्टोरी कम्प्लीट की थी, कम्प्लीट करके आई वॉज सर्चिंग फॉर एन एक्ट्रेस के इस कैरेक्टर को जी कौन सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सो देन आई मेट सारा एंड जब मैंने उसके साथ नरेशन किया एंड वी सैट अलॉन्ग ऑन द स्क्रिप्ट, तो शी वॉज डॉट ऑन इट, कि वो समझ गई थी कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए। सो सारा ही बरखा है मेरे हिसाब से, कोई और ये कर नहीं सकता था। जी जी, मैं जैसे बताया ना, वी वर सिटिंग विद अ फ्रेंड्स, हम कपल ऑफ फ्रेंड्स बैठे थे एंड वहाँ एक कोई इंसिडेंट हुआ छोटा सा, सो फ्रॉम देयर आई गॉट दिस लाइन जिसके ऊपर मैंने पूरी कहानी बुनी है। सो ये अक्सर हम कई बार देखते हैं, कई हमारी ज़िंदगी में कई लोग आते जाते हैं बट हम ध्यान नहीं देते, तो अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो क्या पता उसकी भी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ है जो बताने लायक हो, तो ये वैसा था। सारा लॉरेंस के साथ इसमें ताहा शाह है जो कि बहुत ही अच्छा एक्टर है एंड इसके अलावा श्वेता पंडित है जो सिंगर है, वो काफ़ी टाइम बाद एक फिल्म कर रही, इससे पहले उन्होंने की थी, उनका काफ़ी अच्छा रोल है इसमें, सपोर्टिंग रोल है। इसके अलावा राशिल टंडन है जो ताहा के फ्रेंड बने हुए हैं। प्रियांशु चटर्जी आपको इसमें एक सरप्राइज़ पैकेज मिलेंगे, ही इज़ नॉट डन एनीथिंग लाइक दिस, सो वो एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट है फिल्म के लिए एंड फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो, ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार ऐसा मैंने आज तक नहीं किया। सो दैट्स इट, थैंक यू, थैंक यू। बूम मेरे पास पे नहीं, हम मैं सब प्यारो भी हूँ और मैं को प्रोड्यूसर भी हूँ, सब है, मगर आपकी फिल्म का विलन भी हूँ मैं। यस, देखिए बरखा एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 3 से 4 साल के अंदर हिंदुस्तान की जनता ने कोई स्टोरी वाली पिक्चर नहीं देखी है। लोग थिएटर में आते हैं, दिमाग घर पर रखकर आते हैं, हंसते हैं, ताली बजाते हैं और चले जाते हैं। मैं बहुत यकीन के साथ ये कहता हूँ कि ये फिल्म की यादें अपने साथ अपने घर पर लेकर जाएंगे। Thank you.
हमने इसकी शूट मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गोवा, ऐसी बहुत सी जगह पर शूट की है। बेसिकली लोग सोचते हैं कि ये बहुत छोटे बजट की, नए प्रोड्यूसर हैं वगैरह वगैरह, पर ऐसा नहीं है। हमने बड़े दिल खोलकर इस फिल्म को बनाया है, लोगों ने हमारा साथ दिया है और पूरी टीम ने हमारा साथ दिया है। आप इसमें राहत फतेह जी के गाने से लेकर मोहम्मद इरफान के गाने तक स्टार कास्ट के अंदर आपको सब नए पुराने ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर मिलेंगे। हम आपको अभी दो थोड़ी सी देर में ट्रायल शो दिखा रहे हैं, सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। मैडम के पास भी नहीं, मेरे सवाल जवाब सिर्फ अधिकार प्रवक्ता का है, मैं इसमें प्रवक्ता हूँ। प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या कुछ रहने वाली है इस फिल्म में? जो फिल्मों की होती है कुछ अलग तरीका हमने अपनाया है और लोगों से संपर्क साधने का तरीका, मीडिया एक अलग तरीके से फिल्मों का प्रमोशन करती है, पर हमने माउथ टू माउथ हमारे लोगों को जोड़कर एक पब्लिसिटी करने का प्रयास किया है। देखते हैं इसमें कामयाबी मिलेगी, आप लोग का साथ मिलेगा। और आज यहाँ पे किन लोगों को बुलाया है आपने? आज महेश भट्ट जी आ रहे हैं, तो उनके हाथ से हम ये कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद लेकर जाएंगे। थैंक यू। इसमें पूरी टीम हमारे साथ में है। मैं, मेरी प्रोड्यूसर जिसके बिना ये फिल्म नहीं बन सकती, ऐसी मेरी बड़ी है, वो हिमाचल से जुड़ी हुई है। जब हम हिमाचल में गए थे आउटडोर शूट के लिए, तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सर्दी थी। देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। खट्टा मीठा जायकेदार पूरा ही सफर हमारा अनोखा रहा। बरखा का तारक के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। शादाब के साथ बहुत मजा आया। पहली बार एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, ही एस्पायर्स फॉर द मून एंड द स्टार्स एंड समटाइम्स ही मैनेजेस टू गेट देम। सो आई होप दिस फिल्म इज अबाउट हिम एंड यू नो डज हिम जस्टिस। आई होप यू एंजॉय इट। थैंक यू। शादाब भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और शुभाना जी बहुत बहुत मुबारकबाद। जब भी मैं किसी को अपने सफर की शुरुआत करते हुए देखता हूँ तो वो दिन याद आ जाते हैं जब लड़ते हुए कांपते हुए पैरों से हमने अपना सफर शुरू किया था। और मेरा ये यकीन है कि अगर वो जैसा शख्स यहाँ तक पहुंच सकता है तो यकीनन आप भी पहुंचेंगे हमारे दोनों जगह। बस ये उतने इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया और डूब के जाना है। लंबा सफर है, लोग डराएंगे, कॉन्फिडेंस कभी हिलेगा, मगर अगर आपने हिम्मत नहीं आ रही और आपने अपना सफर जो है जारी रखा तो यकीनन आप वहां पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और सारा जो है हमारी अपनी है, जब जाती और कहती है कि बस चलना है तो हमारी क्या मजाल के हम ना बोले। अब मैंने देख लिया है ये प्रोमो इनका बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि अगर इसको ठीक ठाक रिलीज आपने दे दी तो ये अपना एक इम्पैक्ट छोड़ेगी यकीन। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सी यू अगेन। यस सर, डोंट बी सर। थैंक यू सर। बाय बाय। ये पहले भी ट्रैक व्हाट सीपीयू फ्यूटाइल एक्सरसाइज। वेरी लॉन्ग वेरा तक नहीं करूँ। वे कहाँ करना है? लगा या? अरे मियाँ कैसे? तूने किया ये? जी सर, मैंने बच्चा पीछे ले रहे हैं। व्हाट्सएप यहाँ पे, व्हाट्सएप थोड़ा या व्हाट्सएप यहाँ पे सर। हाँ मैं आ गया।
अब आ गया सर, राइट में सर, राइट राइट सारा राइट अंदर राइट प्लीज। इट्स हार्ड टू से बट कहीं ना कहीं मुझे उनकी हंसी में झूठ नहीं दिख रहा। आई थिंक सब इन्जॉय कर रहे हैं और मैं बहुत नर्वस हूँ एक्चुअली, बिकॉज ये पहली स्क्रीनिंग है और मैंने खुद ने अब तक फिल्म नहीं देखी है। सो मैं इसका नेक्स्ट शो देखने वाली हूँ तो बहुत नर्वस हूँ। अच्छा, कोई कोई मतलब कौन कौन आने वाला है गेस्ट?